तो पिछले वीडियो में मुझसे एक गलती हो गया कि ये फीफाइन का जो K40 माइक है इसमें 50 सेलेक्टेबल बैंड है दोनों चैनल में, ये मैं बताना भूल गया था। तो इसलिए मैंने ये वीडियो फिर से बनाया है। और रेंज तो आपने देखा ही कि कितना बढ़िया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसका रेंज कितना बढ़िया है। अभी हम देख रहे हैं कि इसका जो सेलेक्टेबल है 50 बैंड, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं आप। पहले तो अपने को ढक्कन खोलने का है और यहाँ पे देखिए एक बटन दिया गया है, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नंबर दिया गया है, देखिए चेंज हो गया। मैंने भी नीचे बटन दिया उसको दबाया तो ऐसे करके यहाँ पे भी देख सकते हैं आप दोनों एक साथ चेंज होता है। ये देखिए 8 में आ गया और देखिए वहाँ पर भी 8 में चेंज हो चुका है। तो ये छोटा सा बटन दिया गया है यहाँ पर, इसको दबाने से चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फीचर्स दिया गया इस माइक में। मतलब ये तो दूसरी कंपनी की ऐसी तैसी कर देगा, क्योंकि दूसरी कंपनी में सेट करो, यहाँ लगाओ, ये करो, वो करो, इसमें बढ़िया है बस एक बटन दबाओ चेंज। दोनों माइक में ही सेम तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। टोटल 50 सेलेक्टेबल बैंड है, ये देखिए 14 15 16 17, तो कुछ इस तरीके का आप बस एक बटन दबा के आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना सिंपल फीचर्स दिया गया है इसमें, बहुत ही बढ़िया एकदम। 50 आएगा देखिए, ये देखिए 50 तक दिया गया है, फिर से 1 2 3 स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स है ये, आप आराम से अपना फ्रिक्वेंसी चेंज करना कर सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो बस ये नीचे वाला बटन दबाना है, और अगर आप ये दोनों को बटन को एक साथ दबाएंगे तो ये रीसेट हो जाता है, ये देखिए, और डॉट डॉट लाइन आ जाती है ऑटोमेटिक। फिर ये अपना जो भी अच्छा फ्रीक्वेंसी होता है उसमें सेट हो जाता है, जो भी उसको ऑटोमेटिक लगता है। ये देखिए सेट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया माइक है। और क्योंकि इसमें सेलेक्टेबल फ्रिक्वेंसी वाला दिया गया ऑप्शन, तो ये बहुत ही सस्ता माइक हुआ उस मुकाबले में। जैसे आहूजा ने भी अभी निकाला है जो लगभग 12,000 MRP का है, और स्टूडियो मास्टर के भी लगभग 11-12 हज़ार रुपये का आता है। तो आप देख सकते हैं उन दोनों में से ये सबसे सस्ता लगा मुझे। ये आपको ऑनलाइन 7,499 में मिल जाएगा अमेज़ॉन में, फीफाइन कंपनी का। और लॉन्ग रेंज टेस्ट आपने तो ज़रूर देखा ही होगा, क्योंकि उसका रेंज बाप रे बहुत था। आहूजा का फिर भी एक बार कटा था, लेकिन फीफाइन का तो एक बार भी नहीं कटा माइक। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से भी ले सकते हैं। इसका डिस्प्ले का भी ब्राइटनेस बाकी लोग के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। और दोनों के लिए अलग अलग वॉल्यूम दिया गया है, आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं। और इसका जो ढक्कन भी है ना, ये मेटल वाला है, प्लास्टिक नहीं है, और हैवी भी है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो बस आज की वीडियो इतने ही रखते हैं, बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।